हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कोई से भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा उसे हम लोग प्रैक्टिकली या फिर रियल लाइफ में कहाँ पर देखते हैं। ये हर जगह नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्सेलरेशन है, तो इसे हम लोग स्पेसिफाइड किस प्लेस पे ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ को मैं बताऊंगा। तो मैं चलिए एक बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आप कोई सा भी क्वेश्चन कोरियोलिस एक्सेलरेशन का बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकोगे, कोई सा भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट हमारे पास कोई एक रॉड है, उसको हम लोग एक एंड से फिक्स कर देते हैं इस एंड से, और फिर उस रॉड को हम लोग रोटेट करवाते हैं, मतलब इस रॉड को कोई एक एंगुलर वेलोसिटी दे देते हैं ओमेगा। तो जब ये रॉड रोटेट करने लगेगा उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक चीटी रख देते हैं एंट, ठीक है, इस रॉड के ऊपर एक चीटी रख देते हैं एंट, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो चीटी है वो इससे नीचे नहीं गिर रहा, इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो क्या करेगा चीटी, या फिर चीटी बाहर की ओर जाएगा या फिर अंदर की ओर आएगा, यही उसके पास दो रास्ता है, नीचे तो गिर नहीं रहा है तो रॉड पे शांत तो बैठा नहीं रहेगा, तो ये बाहर की ओर जाएगा या फिर अंदर की ओर आएगा, ठीक है, रॉड से उधर या इधर। तो जब चीटी अंदर या बाहर की ओर मूव करेगा, कब, जब ये रॉड रोटेट कर रहा होगा उस दौरान, तो इस चीटी पे कोरियोलिस एक्सेलरेशन लगेगा। मतलब मैं थोड़ा सा और रियल लाइफ में, मतलब क्वेश्चन जो पूछेगा मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि लेट एक लिंक है, उसके ऊपर एक और लिंक है, ठीक है, ये कुछ टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जब पिन है या लिंक है, थ्योरी ऑफ मशीन में बोलते हैं लिंक, तो ये लिंक जब रोटेट कर रहा है तो ये जो लिंक है या फिर ये रॉड के ऊपर जो ये दूसरा ब्लैक वाला लिंक है वो बाहर की ओर जा रहा है या फिर वो अंदर की ओर आ रहा है, तो बताइए कि उस पर कितना कोरियोलिस एक्सेलरेशन लगेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। मतलब कोरियोलिस एक्सेलरेशन लगता तब है जब रॉड भी रोटेट कर रहा हो, उसके ऊपर जो सामान है, जो भी चीज है बॉडी, वो भी मूव कर रहा हो या फिर अंदर या फिर बाहर, तो उस पर लगेगा ये जो ब्लैक वाला पार्ट है या बॉडी है उस पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक उसी तरीके जैसे कि इस चीटी पे लग रहा था, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि रोटेशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो चीटी है उसको भी मूव करना चाहिए या फिर अंदर या फिर बाहर, ठीक है, तो उस पर कोरियोलिस एक्सेलरेशन लगेगा। ये दोनों मोशन एक साथ होना चाहिए, ट्रांसलेशन चीटी का और इस रॉड का रोटेशन। अब इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इक्वल्स टू, एक कोरियोलिस में लिख रहा हूं, ठीक है, एक कोरियोलिस वो होता है टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, वी कौन सा, वेलोसिटी ऑफ दिस चीटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, लेट मैं चीटी को बोल देता हूं पी और रॉड को बोल देता हूं क्यू, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस चीटी P with respect to rod Q, ठीक है, velocity मतलब किसी एक point पे जब, ठीक है, मतलब कहने मतलब कि इस rod का जो velocity होगा, ठीक है, मतलब हम इस rod पे बैठ करके देख रहे हैं इस चीटी का velocity, जमीन से देखेंगे तो इसका velocity कुछ complex होगा, कुछ rotation plus कुछ translation, वो नहीं देखना, हम इस rod के respect में देख रहे हैं, तो velocity of this चीटी विथ रिस्पेक्ट टू रॉड क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा और आपको सिर्फ फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत ही आसान है, टू इंटू ओमेगा हम लोग इंटू कर देंगे बीपी की, ये तो आप आराम से कर दोगे, मल्टीप्लाई करना है, बट इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं यार, डायरेक्शन फाइंड करना भी बहुत आसान है, कैसे, ओमेगा का अगर हम लोग डायरेक्शन जाने और वीपी की का डायरेक्शन हम लोग जान गए तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वही तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो कैसे करेंगे, ओमेगा, अगर आपने सर्कुलर मोशन थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आएगा कि ओमेगा का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, लेट ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा के अक्रॉस एंटी क्लॉकवाइज उंगली ऐसे घुमाएंगे, जो राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा के अक्रॉस हम लोग मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो ऐसे मूव कराने से अंगूठा जो आएगा वही बताएगा डायरेक्शन, वही तो होता है राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा बता रहा है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा, और अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो
उंगली को ऐसे घुमाएंगे तो हमारा अंगूठा आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ओमेगा का डायरेक्शन आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये हो गया ओमेगा का डायरेक्शन। वीपीक्यू का डायरेक्शन कुछ नहीं यार, वीपीक्यू का डायरेक्शन वही है, अगर बाहर जा रहा है तो आउटसाइड, अंदर आ रहा है तो अंदर। तो लेट सपोज हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेकर के एक एक डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई से भी फाइंड कर लोगे आराम से अलग अलग सिचुएशंस पे। एक ऐसा सिचुएशन मानते हैं जिसमें लेट सपोज ओमेगा इधर है और चींटी बाहर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा ये, क्यों, क्योंकि ओमेगा के अक्रॉस हम उंगली रखेंगे तो यही अंगूठा आएगा, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया और चींटी बाहर की ओर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, वीपी क्यू का डायरेक्शन ये हो गया क्योंकि चींटी बाहर की ओर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन बाहर की ओर, और ओमेगा का डायरेक्शन ऊपर क्योंकि इससे आया। तो अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता करना है इन दोनों का, कैसे करते थे हम लोग, ओमेगा क्रॉस वीपी क्यू, ओमेगा क्रॉस वी, तो कौन सा डायरेक्शन आएगा अगर ऐसे करेंगे, तो ये वाला डायरेक्शन आएगा, ये अंगूठा मतलब इधर का डायरेक्शन हमें पता चलेगा जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर, ये जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये जो रॉड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा वही डायरेक्शन होगा इस कोरिओलिस एक्सेलरेशन का, ओमेगा क्रॉस ओमेगा पी और उंगली रखो, वेलोसिटी की ओर मूव कराओ, तो इस रोटेशन के दौरान अंगूठा इधर जाता है तो इधर का डायरेक्शन कोरिओलिस एक्सेलरेशन डायरेक्शन। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि चींटी बाहर की ओर नहीं मूव करके अंदर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अंदर की ओर मूव करेगा तो वीपी क्यू का डायरेक्शन खाले इधर जो इधर से था वो इधर आ जाएगा, और ओमेगा तो इधर ही है तो ओमेगा ऊपर रहेगा। तो अब फाइंड करेंगे तो फिर से हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, अपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सीखा है तो इतना सीखने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो आप अगर फिर भी आप देख सकते हो ओमेगा क्रॉस वीपी की क्या कर रहे हैं, ओमेगा से ले जा रहे हैं और वीपी की ओर मूव करवा रहे हैं। ठीक है, वही ना कर रहे हैं, ओमेगा क्रॉस वीपी क्यू, वीपी क्यू इधर है, ओमेगा क्रॉस वीपी क्यू, तो जो अंगूठा आ रहा है वो इधर आ रहा है, तो इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा, इस चींटी पे एक्सेलरेशन इधर लगेगा, कब, जब चींटी अंदर की ओर मूव कर रहा होगा तो इधर एक्सेलरेशन लगेगा, और चींटी बाहर की ओर मूव करेगा तो इधर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो ये चींटी के अंदर बाहर मूव करने से ओमेगा कभी इधर भी हो सकता है या फिर ओमेगा क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जब क्लॉकवाइज रहेगा तो ओमेगा को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीपी क्यू का डायरेक्शन जो भी लेना है वो लो, आपके अनुसार कुछ क्वेश्चन में रहेगा, और ओमेगा को आप वर्टिकली डाउनवर्ड ले लो, मतलब नीचे ले लो। ठीक है, और फिर उसके अनुसार आप फाइंड कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप आराम से डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो कोरिओलिस एक्सेलरेशन है वो जो हम लोग सिंपल सर्कुलर मोशन में जो पढ़ते थे कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको एक मोशन जो एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो इधर एक्ट करता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टेंजेंशियल जिसको बोलते थे हम लोग अल्फा, और सेंट्रीपिटल का ईसी जो होता था ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इससे ये थोड़ा डिफरेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब इसे आप मिसकंसेप्शन मत करना कि जो सेंट्रीपिटल है वही कोरिओलिस है या फिर अल्फा है वही कोरिओलिस, कोरिओलिस अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में अलग बात आपको पूछेगा जब टोटल एक्सेलरेशन, तो आपको क्या करना होगा, अब इन सब का टोटल रिजल्टेंट निकालना होगा, अगर आपका जो जो दिया रहेगा अल्फा अगर लेट सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप अगर सेंट्रीपिटल किए फाइंड अपने जो हम बताए उस स्टाइल से, तो लेट सपोज सेंट्रीपिटल जो कोरिओलिस है जो आप फाइंड किए, सपोज कोरिओलिस इधर आया तो आपको इस अल्फा में इस कोरिओलिस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर इसमें अगर इधर आया तो आप ऐड करेंगे, और उसके बाद इसके साथ वेक्टर सम करेंगे, और फिर जो फाइनल आएगा वो आपका ए टोटल या फिर ए नेट एक्सेलरेशन रहेगा क्वेश्चन में, अगर आपको नेट एक्सेलरेशन पूछता है तो सारे जो एक्सेलरेशन है सबका वेक्टरली और जैसे भी सम करते वैसे फाइंड करना है। ठीक है, या फिर बस इस टाइप से, मतलब आपको ये मैं एक बेसिक से बता देता था कि आपको कंफ्यूज ना हो इस चीज को, बाकी यहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कोरिओलिस एक्सेलरेशन क्या है। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, गेट का क्वेश्चंस और भी डिफरेंट सेमेस्टर के क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस जहां पे भी हो, और अगर कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।